अभी ऑडिबल हूँ या नहीं? ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब और उसके टाइप्स। वर्ब जो एक लैटिन वर्ड से बना है, वर्बरम, जिसका मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो इसी से हम समझ सकते हैं कि वर्ब कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस में। तो चलो इसका पहले मीनिंग देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेटस और पोजिशन इन द सेंटेंस। वर्ब किसे कहा जाता है जो सेंटेंस में एक्शन, स्टेटस या पोजिशन शो करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। विराट प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे विराट क्या एक्शन कर रहा है? प्ले का। तो प्ले ये जो वर्ड है इससे हमें एक्शन पता चल रहा है। तो प्लेज ये वर्ब है यहाँ पे। सेकेंड सेंटेंस जिसमें ही इज हैप्पी, इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, इस कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ही कैसा है ये बताया जा रहा है। सो यहाँ पे इज वर्ड यूज़ किया है जो स्टेटस बताने का काम कर रहा है। स्टेटस यानी कि अवस्था या स्थिति। शी हैज़ अ कैट, अब इस थर्ड सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं बताया जा रहा है, ना ही उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट के पास क्या है, उसके पास क्या अधिकार है या क्या वस्तु है ये बताया जा रहा है। वो बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? हैज़। तो हैज़ यहाँ पे है, वर्ब है जो पोजेशन शो कर रहा है। पोजेशन यानी कि अधिकार या फिर क्या चीज़ आपके पास है। तो इस तरीके से वर्ब तीन फंक्शन कर रहे हैं, एक्शन बताने का, स्टेटस बताने का या फिर पोजेशन बताने का। स्टूडेंट्स, वर्ब के बेसिकली दो ही टाइप्स हैं, एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम किसे कहते हैं? अ वर्ब दैट हैज़ मेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस, यानी कि जिस वर्ब का सेंटेंस में मुख्य इम्पोर्टेंस है उसे हम कहेंगे मेन वर्ब। जैसे ही सिंग्स, इस सेंटेंस में सिंग्स ये एक ही वर्ब है और उसका मेन इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा मेन वर्ब। दूसरे सेंटेंस में दे आर लिसनिंग, अब इस सेंटेंस में दो वर्ब आपको दिखाई देंगे, एक है आर और दूसरा है लिसनिंग। लिसनिंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसके लिए वो मेन वर्ब है। थर्ड सेंटेंस, आई एम अ टीचर, अब यहाँ पे एम ये एक ही वर्ब है और वो मेन इम्पोर्टेंस है उसका। तो अभी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कहते हैं? अ वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन द सेंटेंस, जैसे कि उसका नाम है वैसे उसका काम है मेन वर्ब को हेल्प करना। हेल्प करना यानी कि किस बारे में वो हेल्प करेगा। तो चलो सेंटेंस से समझते हैं। आई एम राइटिंग, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है जो राइटिंग को हेल्प कर रहा है। राइटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, तो वो हेल्प इसलिए कर रहा है ताकि वो टेंस पूरा कर सके। तो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे आपको एक हेल्प क्या है, वो टू फॉर्म टेंस, टेंस बनाने में वो हेल्प करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आर यू लिसनिंग, अब इस सेंटेंस में आर हेल्पिंग वर्ब है और लिसनिंग मेन वर्ब है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में ही डिड नॉट रिपीट हिज मिस्टेक्स, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है जो रिपीट जो वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है, और वो हेल्प नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कर रहा है। नेक्स्ट, हाँ, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस करते हैं तो उसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। जैसे ही सिंग्स सॉन्ग,
ये एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव में कर रहे तो हमने टू बी का फॉर्म यूज़ किया इज़, तो वहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। इसके अलावा जब हमें कोई मूड बताना है, जैसे अगर आज मेरा मूड कर रहा है क्लाउड्स को देख के कि इट मे रेन टुडे, तो ये मैं मूड बताने का काम कर रहा हूँ। सो मूड बताने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। या फिर मेरा आज मूड कर रहा है कि मैं आपको बताऊँ, यू शुड प्रैक्टिस ग्रामर डेली, तो शुड मे ये मूड बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्या आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब्स के ही दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल जो मूड वर्ड से ही बना हुआ है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में टोटल हम 11 हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं, तो चलो देखते हैं कौन से है वो। पहला है टू बी, जिसमें पांच आते हैं, एम इज आर वॉज वर, और दूसरा है टू डू, जिसमें तीन है, डू डज डीड, और तीसरा है टू हैव, जिसमें तीन आते हैं, हैव हैज हैड। तो ऐसे टोटल 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, और अगर मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें तो उसमें 14 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो 14 कौन से हैं, विल शाल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू यूज टू हैव टू हैज टू और हैड टू। इसके अलावा नीड और डेयर, इनको भी मॉडल ऑक्सिलरीज में काउंट किया जाता है। लेकिन हम समझेंगे कैसे कि सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो उसके लिए मैंने कुछ सिंपल ट्रिक्स यहाँ पे बनाया है। ट्रिक नंबर वन, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो समझ जाना कि वो मेन वर्ब ही है। जैसे ही सिंग्स, इसमें एक ही वर्ब है सिंग्स, तो वो मेन वर्ब है। या फिर आई एम अ टीचर, इसमें भी एक ही वर्ब है, तो समझ जाना कि वो मेन वर्ब है। ट्रिक नंबर टू, अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स एक साथ में है तो उसमें लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब है, और उसके पहले जो आने वाले वर्ब्स हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। जैसे आई एम राइटिंग, यहाँ पे लास्ट वर्ड है राइटिंग, तो राइटिंग मेन वर्ब है और उसके पहले जो आने वाला वर्ब है एम वो हेल्पिंग वर्ब है। या फिर ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें सिंगिंग ये लास्ट वर्ब है, तो सिंगिंग मेन वर्ब है और उसके पहले जो आए हैं हैज़ बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। ट्रिक नंबर थ्री, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों का काम कर सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम मेन वर्ब का काम कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में आई एम राइटिंग, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ट्रिक नंबर फोर, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का ही काम कर सकते हैं, वो मेन वर्ब कभी नहीं बन सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, सो यहाँ पे मे ये हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं हो सकता। ट्रिक नंबर फाइव, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे यू शुड स्टडी, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। अब मेन वर्ब्स जो है उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम कैटेगराइज देख सकते हैं। तो मेन वर्ब के हम टाइप्स देख रहे हैं अभी। मेन वर्ब में पहला टाइप हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहा जाता है? अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उस वर्ब को कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल देखो, आकाश राइट्स एन एसे। अब इस सेंटेंस में राइट्स ये वर्ब है और इसके बाद एन एसे
ये ऑब्जेक्ट आया है, तो राइट्स यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। वी इनवाइटेड देम फॉर पार्टी, यहाँ पे इनवाइटेड वर्ब है और देम ऑब्जेक्ट है, तो इनवाइटेड ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आकाश ट्रिप्ड सुरेश, यहाँ पे ट्रिप्ड वर्ब है और उसके बाद ट्रांजिटिव आया है, सॉरी सुरेश ऑब्जेक्ट आया है जो बता रहा है कि ट्रिप्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या? ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे एक्शन होता है या जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को अगर हम हिंदी में कहें तो उसको हम कह सकते हैं सकर्म क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो इसके अपोजिट है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे आई राइट वेल, अब यहाँ पे राइट के बाद वेल आया है, वेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल एडवर्ब है। दे रन फास्ट, अब रन के बाद फास्ट ये जो है वो एडवर्ब है अगेन, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। आकाश ट्रिप्ड, अब देखो मैंने जानबूझ के यही सेंटेंस आपको रखा है ताकि आप समझ सको कि यहाँ पे ट्रिप्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है यानी कि ये फिर इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगा। तो इवन इससे आप ये भी समझ सकते हो कि कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं, उनको समझना ईजी है। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए वो इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम सेकेंड कैटेगरी देखते हैं मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स सेकेंड कैटेगरी है रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, इसको समझने से पहले हम सब जानते हैं वर्ब के फॉर्म्स। क्या आप जानते हो वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? वर्ब के चार फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3 और VING। कोई भी वर्ब लो उसके चार फॉर्म्स मिलेंगे। इसमें V1 इसका एक्चुअल नाम है बेस फॉर्म, V2 जिसको पास्ट टेंस फॉर्म कहा जाता है, V3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल, और VING जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे वर्ब जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, हर एक वर्ब के आपको इस तरीके से चार फॉर्म मिलेंगे। तो रेगुलर वर्ब्स किसे कहेंगे? ऐसे वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डी या ईडी से बनता है। जैसे डांस, डी लगा इसमें, डांस्ड हो गया। थर्ड फॉर्म में भी डी लगा, डांस्ड हो गया, और आईएनजी फॉर्म डांसिंग। प्ले, अब इसमें ईडी लगा है, प्लेड, प्लेड, प्ले। तो इनको कहा जाएगा रेगुलर वर्ब फॉर्म्स। और भी एग्जाम्पल्स हैं इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स, जिसमें पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डी या ईडी नहीं लगता, उनको कहा जाएगा इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग हैं और इसका ऐसे कोई रूल नहीं है। आपको इसमें यही करना है कि आप इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स को लर्न कर लो, क्योंकि वो 5% ही है और उसमें से डेली यूज में सिर्फ 3% ही आते हैं। जैसे राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटिन, आईएनजी फॉर्म राइटिंग, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट, आईएनजी फॉर्म टीचिंग, कट कट कट, यहाँ पे तीनों फॉर्म सेम है। कम केम, कम कमिंग, अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकेंड अलग है। तो इस तरीके से ये मेन वर्ब्स के दो टाइप्स आप देख सकते हो, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वर्ब और उसके टाइप्स में फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जो टेंस शो करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। एग्जाम्पल्स, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस, ये दोनों भी फाइनाइट वर्ब्स हैं। जैसे आई राइट, अब यहाँ पे ये टेंस बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये फाइनाइट वर्ब है।
ही राइट्स। अब जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई की जगह पे ही आ गया, तो वर्ब में चेंज हो गया, एस लग गया, तो ये फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसको भी हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये टेंस बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके पहले हैव, हैज़ या हैड यूज़ होगा, जैसे दे हैव रिटन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो बता रहा है। या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, लेकिन उसके पहले एम इज़ आर, वॉज़ वर यूज़ होगा, वी आर लर्निंग, आर प्लस वी आई एन जी यहाँ पे है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है। तो फाइनाइट वर्ब्स, जिनको टेंस टू वर्ब भी कहा जाएगा, और ये टेंस शो करते हैं सेंटेंस में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहेंगे फिर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स उनको कहा जाएगा जो सेंटेंस में टेंस शो नहीं करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। उसमें पहला है इन्फिनिटिव्स,